नमस्कार, बहुसांस्कृतिकता एक परिचय सत्र दो में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस सत्र के महत्वपूर्ण बिंदु हैं मानव जीवन को देखने के एक नज़रिए के तौर पर बहुसंस्कृतिवाद, बहुसांस्कृतिकवाद के पक्ष और विपक्ष में तर्क, बहुसंस्कृतिवाद के पक्ष में तर्क और बहुसंस्कृतिवाद के विपक्ष में तर्क। इस मॉड्यूल को देखने के बाद आप जान सकेंगे कि मानव जीवन को देखने के नज़रिए के रूप में बहुसांस्कृतिकता से क्या अभिप्राय है, बहुसांस्कृतिकता के पक्ष में क्या क्या तर्क हैं, एक राजनीतिक विचार के रूप में बहुसांस्कृतिकता से क्या अभिप्राय है, विभिन्न समाज व अस्मिताएँ बहुसांस्कृतिकता को किस तरह देखती हैं, बहुसांस्कृतिकता किस रूप में अधिक कारगर होगी और बहुसांस्कृतिक समाज में अनुवाद की क्या उपयोगिता है। बहुसांस्कृतिकता एक विषय को हमने तीन मॉड्यूल में विभाजित करने की कोशिश की है। भाग एक में हमने चर्चा की थी बहुसांस्कृतिकता क्या है, बहुसांस्कृतिक समाज की विशेषताएं और बहुसांस्कृतिकता संबंधी विभिन्न सिद्धांत। इस सत्र में हम चर्चा करेंगे मानव जीवन को देखने के एक नज़रिए के तौर पर बहुसंस्कृतिवाद और बहुसंस्कृतिवाद के पक्ष में तर्क और उसके विपक्ष में तर्क। मानव जीवन को देखने के एक नज़रिए के तौर पर बहुसंस्कृतिवाद। प्रथम सत्र में हमने इस पर चर्चा की कि बहुसांस्कृतिकता किसे कहा जाता है, किसी समाज को बहुसांस्कृतिक कहलाने के लिए उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए, इसकी हमने चर्चा की। और हमने साथ में ये जाना कि बहुसांस्कृतिकता और बहुसांस्कृतिकवाद में मूलभूत अंतर वह क्या है। और अब इस सत्र में हम जानेंगे कि बहुसांस्कृतिकता का को अलग अलग समाज किस तरीके से देखते हैं, इसके पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं और क्यों बहुसंस्कृतिवाद की अनुपालना, ये कहा जाए बहुसंस्कृतिवाद का अनुसरण विभिन्न देश या विभिन्न राष्ट्र कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे हैं या जो नहीं करना चाहते हैं वे इसके पीछे क्या तर्क देते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भीखू पारेख जो एक सोशियोलॉजिस्ट है, एक जो थिंकर हैं इस विषय में, जो उनका जो महत्वपूर्ण निबंध है व्हाट इज़ मल्टीकल्चरलिज्म, वे किस तरह बहुसंस्कृतिवाद को देखते हैं और किस तरह वो इसे किसी राजनीतिक सिद्धांत को या राजनीतिक विचार के रूप में न देख के उसे एक मानव जीवन को देखने के नज़रिए के रूप में देखते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि भारतीय समाज जो बरसों से बहुसंस्कृतिवाद या बहुसांस्कृतिकता का जो अनुसरण या अनुपालन करता आया है, ऐसा समाज जिसमें बहुत सारी भाषाएं न केवल बोली जाती हैं बल्कि उसका साहित्य उपलब्ध है, उसका कहा जाए कि कार्यालय आधार पर या कार्यालय स्तरों पर उसका राजभाषाओं के रूप में वे भाषाएँ विभिन्न राज्यों में अपना काम करती हैं और किस तरीके से उसमें न केवल विपुल सृजनात्मक साहित्य उपलब्ध है बल्कि ज्ञानात्मक साहित्य भी देखा जाता है। तो इस तरीके से बहुसांस्कृतिक समाज एक ऐसा समाज जो न केवल आपको विभिन्न संस्कृतियों के साथ जीने का एक सलीका सिखाता है बल्कि आपको एक बेहतर मनुष्य बनाने का प्रयास करता है। उस पर भीखू पारेख के अपने क्या विचार हैं, वे किस तरह एक मानव जीवन के नज़रिए के रूप में बहुसांस्कृतिकता को या मल्टीकल्चरलिज्म को देखते हैं और फिर किस तरीके से उसके पक्ष में जो उनके तर्क हैं वो किस प्रकार बहुसंस्कृतिवाद के पक्ष में तर्क हो जाते हैं और हम जब उसके विपक्ष में जब हम तर्कों की बात करेंगे तो किस प्रकार भीखू पारेख का जो अपना नज़रिया है बहुसांस्कृतिकता को देखने का वो किस तरह जब इसके मल्टीकल्चरलिज्म के विपक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं उनके साथ वे किस तरह उनके सामने खड़ा होता है। तो इन सभी विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इस सत्र में चर्चा की जाएगी। सबसे पहले हम जानेंगे कि भीखू पारेख जो उनका अपना निबंध व्हाट इज़ मल्टीकल्चरलिज्म में किस प्रकार मल्टीकल्चरलिज्म की चर्चा करते हैं, उसे एक मानव जीवन के नज़रिए के रूप में उसे देखते हैं। व्हाट इज़ मल्टीकल्चरलिज्म शीर्षक लेख में भीखू पारेख ने बहुसंस्कृतिवाद को एक दार्शनिक संप्रदाय या कार्यक्रमोन्मुख राजनीतिक सिद्धांत मानने की बजाय मानव जीवन को देखने का एक तरीका या नज़रिया बतलाया है। वे मानते हैं कि बहुसंस्कृतिवादी नज़रिया तीन महत्वपूर्ण और परस्पर पूरक अंतर्दृष्टियों से मिलकर बना है। पहली ये कि हर मनुष्य की जड़ें अपनी संस्कृति में धंसी होती हैं, इस मायने में कि वह एक ऐसी दुनिया में ही पलता बढ़ता और जीता है जो सांस्कृतिक रूप से गढ़ी गई होती है। हम सभी जानते हैं कि जब हमारा जन्म होता है कि जन्म के साथ ही प्रत्येक मनुष्य के साथ उसका अपना एक समाज, उसका अपना एक संस्कृति, उसकी अपना एक रहन सहन, आस्था, मान्यताएं, बहुत सारी ऐसी जो परंपराएं हैं, जो संस्कृति के जो विभिन्न कारक हैं वो उसके जन्म के साथ ही उसके साथ जुड़ते चले जाते हैं। अपने माता पिता, अपने दादा दादी, अपने परिवार के अन्य सदस्यों के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होने के साथ ही वे उनकी संस्कृति, उनकी आस्थाओं, उनकी मान्यताओं को भी मान्य, एक तरह से कहा जाए कि उसे इनहेरिट रूप में ये चीज़ें मिलती हैं और वह उन्हीं का पालन करने लगता है। तो इस तरीके से कोई मनुष्य जिस खास धर्म या संस्कृति में उसका जन्म होता है उसके साथ उसका एक स्वाभाविक लगाव सा हो जाता है। तो ऐसी एक दुनिया जिसमें वह पलता बढ़ता और जीता है जो सांस्कृतिक रूप से गढ़ी गई होती है, क्या सार्थक है और क्या निरर्थक, क्या महत्वपूर्ण है और क्या महत्वहीन,
इसके बारे में उसे अपनी संस्कृति से जो समझ मिलती है उसके अनुरूप ही वह अपने जीवन और सामाजिक संबंधों को व्यवस्थित करता है। तो हमारी जो संस्कृति है, जिस संस्कृति में हमारा जन्म होता है या जिस संस्कृति से हमारा शुरुआत जो एक जुड़ाव होता है, उस संस्कृति में बताए गए नियम, उस संस्कृति में बताई गई परंपराएं, उस संस्कृति में बताए गए सही और गलत की परिभाषाएं ही हमारे एक तरह के व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। तो इस तरीके से संस्कृति हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है, लेकिन उसके बावजूद विभिन्न संस्कृतियों के कॉन्टैक्ट में आने से या विभिन्न संस्कृतियों के संपर्क में आने से मनुष्य जिसका मूल गुण है सीखना, तो विभिन्न संस्कृतियों से सीखने का प्रयास भी करता है और उन संस्कृतियों से मिलता जुलता भी है। तो किस प्रकार बहुसंस्कृतिवादी नज़रिए के समर्थन में जब भिक्खु पारख कहते हैं कि एक अपनी संस्कृति में मनुष्य का जन्म होता है और लेकिन उसके बावजूद अपनी संस्कृति में जन्म होने के बावजूद या अपनी संस्कृति के गुण अवगुणों को जानने के बावजूद भी एक मनुष्य में दूसरी संस्कृति से सीखने का भी एक प्राकृतिक गुण होता है, जो जब वे दूसरी संस्कृतियों के संपर्क में आते हैं तो अपने आप उन संस्कृतियों से बहुत कुछ सीखते हैं या कहा जाए कि उनसे एक तरह का उनका वैचारिक एक तरह का संघर्ष होता है या उस संस्कृति के माध्यम से क्या स्वीकार करना है क्या स्वीकार करना है वो उनकी एक तरह की एक प्राकृतिक या एक तरह से कहा जाए कि बहुत ही नेचुरल किस्म की एक प्रक्रिया होती है। दूसरा, अच्छा जीवन किसे कहते हैं और जीवन को कैसा होना चाहिए इसके बारे में अलग अलग संस्कृतियाँ अलग अलग तरह की व्यवस्थाएँ देती हैं। चूँकि इनमें से हर व्यवस्था मानवीय क्षमताओं, संभावनाओं और भावनाओं के एक सीमित दायरे के बोध पर ही टिकी होती है तथा मानवीय अस्तित्व की संपूर्णता के एक अंश को ही अपनी जद में ले पाती है, इसलिए उसे अन्य संस्कृतियों की ज़रूरत होती है जो उसे अपने आप को बेहतर तरीके से समझने, अपने बौद्धिक और नैतिक क्षितिज को विकसित करने, अपनी कल्पना को विस्तार देने में मददगार हों। तो भिक्खु पारख जो तर्क देते हैं, एक पहला ये कि एक हर मनुष्य अपनी खास संस्कृति में जन्म लेता है, उसी के अनुसार उसका अपना एक सराउंडिंग तैयार होती है, उसके अपने सोचने की क्षमता, विचार करने की क्षमता तैयार होती है। दूसरा, जिस संस्कृति विशेष में हम जन्म लेते हैं, जिस संस्कृति विशेष को हम पहले दिन से जान रहे होते हैं, उस संस्कृति विशेष की अपने अन्य विभिन्न कारणों से उसकी अपनी कुछ सीमाएं भी होती हैं, चाहे वे कोई भी संस्कृति हो, क्योंकि उस अपनी एक संस्कृति जो जैसा कि हम इससे पहले के सत्रों में जान चुके हैं कि संस्कृति का निर्माण किस प्रकार होता है, कौन कौन से महत्वपूर्ण कारक होते हैं किसी संस्कृति का निर्माण करने में, उसमें हमने ये भी जाना कि उसके अपने कुछ भौगोलिक कारण, उसके अपने कुछ धर्म संस्कृति, उसकी अपनी परंपराएं, रहन सहन, खान पान, विभिन्न चीज़ें मिलकर एक संस्कृति का निर्माण करती हैं। तो यही सभी चीज़ें जिसके अपने कुछ विशेष कारण हैं जिस कारण एक संस्कृति का निर्माण होता है, वही उसकी शक्ति है और वही उसकी सीमाएँ भी है। तो जब एक मनुष्य होने के नाते हम अपनी संस्कृति तक ही सीमित होते हैं तो हमारी अपनी भी एक सीमा होती है, लेकिन जब हम किसी दूसरी संस्कृति से जब हमारा संपर्क होता है तो दूसरी संस्कृति से हम न केवल सीखते हैं बल्कि अपना विस्तार करते हैं, अपने ज्ञान के क्षेत्र का विस्तार करते हैं, अपने बौद्धिकता का विस्तार करते हैं और अपनी कल्पना का भी विस्तार होता है। तो इसलिए एक ऐसे समाज की हर मनुष्य के लिए आवश्यकता है जहाँ वे केवल अपने समाज तक या अपनी संस्कृति तक सीमित ना हो बल्कि विभिन्न संस्कृतियों के भी संपर्क में आए, ताकि वे बेहतर रूप से न केवल बौद्धिक बल्कि नैतिक और कल्पनागत विस्तार भी पा सकें। दूसरी संस्कृतियों के संपर्क से हमारी जीवन पद्धति अधिक समृद्ध हो सकती है और यह भी कि आज की अधिक गतिशील और अंतर्निर्भर दुनिया में अधिकांश लोगों के लिए अपनी संस्कृति में सिमटी हुई जिंदगी लगभग नामुमकिन हो गई है। आज हम नहीं कह सकते कि हम यदि भारतीय संस्कृति हमारी संस्कृति है तो हम केवल भारतीय संस्कृति तक सीमित हैं। हमारे जीवन, हमारे खान पान, हमारे रहन सहन, हमारे व्यवहार में जाने अनजाने, चाहे अनचाहे, बहुत सारे अलग अलग संस्कृतियों के गुण या बहुत सारी संस्कृतियों का प्रभाव देखने को मिलता है और उसके माध्यम से जब हम अपने आप को किसी बड़े पटल पर देखते हैं तो उन संस्कृतियों से किसी न किसी रूप में हमारी भेंट होने के कारण या किसी न किसी रूप में हमारी एक तरह से संपर्क होने के कारण हम एक बड़े वैश्विक पटल पर भी अपने आप को बहुत अक्षम महसूस नहीं करते। तो उसका कारण यही है कि जब आप अपनी संस्कृति या अपने धर्म या अपनी जाति या अपनी सीमाओं के अतिरिक्त जब अन्य धर्म, जाति, संस्कृति, नस्लों, जातीयताओं आदि या विभिन्न जो गुण होते हैं उन सभी से जब आपका मेलजोल होता है तो आपके एक मनुष्य होने के नाते और एक वैश्विक मनुष्य होने के नाते आपका विस्तार होता है। तीसरा तर्क देते हैं, हर संस्कृति आंतरिक रूप से बहुलता मूलक होती है
और उसके भीतर लगातार भिन्न भिन्न परंपराओं के बीच संवाद चलता रहता है। हम इससे पहले के सत्रों में इस पर बात कर चुके हैं कि किस तरह कोई संस्कृति जब विकास करती है तो अपने विकास के क्रम में वह बहुत कुछ लेती चलती है और बहुत कुछ छोड़ती चलती है। तो इसे लेने, जुड़ने और छूटने के इस क्रम में संस्कृतियाँ हर दिन अपने आप को परिवर्तित करती हैं, संस्कृतियाँ गतिशील होती हैं। तो हम देखते हैं कि कोई भी संस्कृति अपने आप में बहुलता मूलक होती है और उसके भीतर लगातार भिन्न भिन्न परंपराओं के बीच संवाद चलता रहता है। संस्कृतियाँ सचेत या अचेत रूप से एक दूसरे के साथ अंतरक्रिया करते हुए विकसित होती हैं, इसीलिए वे अपने उद्भव और अपनी बनावट में कम से कम आंशिक रूप से बहुसांस्कृतिक होती हैं। कोई भी संस्कृति पूरी तरह विशुद्ध नहीं होती और उसके अंदर दूसरी संस्कृतियों के अंश अवश्य होते हैं। तो हम जिस तरह हम अपनी भाषा का व्यवहार करते हैं, जिस तरह हम अपने जीवनचर्या का व्यवहार करते हैं, हमारा जो पहनावा, हमारा जो खान पान, हमारी जो मान्यताएँ हैं, आज जिस तरह की बिलीव्स हम हमारे या आस्थाएं जो हमारे जीवन से जुड़ गई हैं, तर्क करने की जो हमारी क्षमताएं ज्ञान के साथ साथ या एक तरह से कहा जाए कि हमारा बौद्धिक विकास होने के साथ या हमारा बड़ी दुनिया को चाहे टीवी, मोबाइल, इंटरनेट या डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न समाजों से मिलने के कारण हमारा जो एक विकास हुआ है उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि किस प्रकार अलग अलग संस्कृतियों के मेल से न केवल हमारा सांस्कृतिक विकास होता है बल्कि वे संस्कृति भी अपने आप में अपना विकास करती है। कोई भी संस्कृति विशुद्ध नहीं हो सकती इस संदर्भ में, क्योंकि हर संस्कृति जो विकासशील संस्कृति है वे सब गतिशील होती हैं और इस गतिशीलता की अपने इस क्रम में वे विभिन्न संस्कृतियों से बहुत कुछ लेती और बहुत कुछ छोड़ती चलती हैं। तो इस प्रकार कोई संस्कृति अपने आप में अपने मूल स्वरूप में एक सांस्कृतिक या एकल हो ही नहीं सकती। यही भिक्खु पारेख का मानना है कि कोई भी संस्कृति अपने आप में अपने मूल स्वभाव में बहुसांस्कृतिक होती है। साथ ही जो संस्कृति अपने अंदर की बहुलताओं के प्रति सकारात्मक रुख नहीं अपनाती, उसका रुख दूसरी संस्कृतियों के प्रति भी सकारात्मक नहीं हो सकता। कोई संस्कृति बाहरी विभेदों के प्रति तब तक सहज नहीं हो सकती जब तक कि वह अपने आंतरिक विभेदों के प्रति सहज ना हो। किसी भी दूसरे समाज, किसी भी दूसरी संस्कृति को समझने के लिए किसी भी मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है कि वो अपने आप को एक तरह से अपने विचारों को या अपने जो सोचने का जो दायरा है उसको एक विस्तार दे और तटस्थ होकर न केवल अपनी संस्कृति पे विचार करें बल्कि दूसरी संस्कृतियों के बारे में भी विचार करें। क्योंकि तभी ये संभव है जब आप अपनी संस्कृति के भीतर के गुणों और अवगुणों दोनों को यदि आप में तलाशने की क्षमता है तो दूसरी संस्कृति को भी आप अधिक तटस्थ रूप से और निष्पक्ष रूप से न केवल समझेंगे बल्कि उसे अपनाने या छोड़ने की प्रक्रिया में भी आप अधिक सहज होंगे। तो इस तरीके से बहुसांस्कृतिकता के पक्ष में भिक्खु पारेख विभिन्न तर्क देते हैं और उनका ये निबंध जो व्हाट इज मल्टीकल्चरलिज्म है वो किस प्रकार से एक तरह से पूरी भारतीय अवधारणा को ही पुष्ट करता है कि किस प्रकार भारतीय अवधारणा में बहुसांस्कृतिकता और बहुभाषिकता यहाँ का मूल या स्वाभाविक गुण है। उसी तरीके से उनका मानना है कि किसी भी समाज के विकास के लिए बहुत आवश्यक है कि वह विभिन्न संस्कृतियों के साथ तालमेल बनाए, विभिन्न संस्कृतियों से सीखे और अपनी संस्कृति को प्रतिदिन समृद्ध करे। तो इस तरह भिक्खु पारेख बहुसंस्कृतिवाद के पक्ष में तर्क देते हैं और महसूस करते हैं या उनका ये मानना है कि विभिन्न देशों और समाजों को अपने यहाँ बसने वाली विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न समाजों, अल्पसंख्यक समुदायों या किसी प्रकार शोषित या दमित जो समुदाय हैं उनके यहाँ, उन सभी को न केवल बराबर स्थान देना चाहिए बल्कि उनकी भाषाओं, उनकी संस्कृतियों आदि का भी सम्मान किया जाना चाहिए। भिक्खु पारेख की इन बातों को आसान शब्दों में यदि रखें तो बहुसंस्कृतिवाद एक दृष्टिकोण है जो संस्कृति के सवाल पर हमारे भीतर एक तरह का खुलापन लाता है। हम ये मानते हैं कि सभी संस्कृतियाँ आपसी मेलजोल से ही विकसित हुई हैं और आगे भी अपने अपने सीमित दायरों में रहकर वे वैविध्यपूर्ण मानवीय अस्तित्व की संपूर्णता का साक्षात्कार व आस्वादन नहीं कर सकती हैं। इसके साथ ही हम दूसरों की सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रति भी उदार रवैया अपनाते हैं जिससे ये निहित है कि कोई एक जिसमें यह निहित है कि कोई एक मूल्य व्यवस्था या जीवन पद्धति ही वैध नहीं है, ना ही कोई दूसरे निकृष्ट या अनुचित है। इस तरह बहुसंस्कृतिवादी दृष्टिकोण हमारे अंदर एक रूपता के विरुद्ध विविधता के प्रति रुझान पैदा करता है। हम जिन मूल्यों मान्यताओं के बीच निर्मित हुए हैं उन्हें भूलकर किसी नए सांस्कृतिक मिश्रण को भले ही पूरी तरह अपना न पाएं, हमारी ग्रहणशीलता अवश्य बढ़ती है और दुराग्रह पीछे छूट जाता है। तो इस तरीके से जब हम संस्कृति अंतर सांस्कृतिक और अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण वाले सत्रों की में जब हम चर्चा कर रहे थे तो हमने जाना था कि किस प्रकार संस्कृतियों के गुणों की यदि हम चर्चा करें, संस्कृतियों की बात करें, तो प्रत्येक व्यक्ति को या प्रत्येक समुदाय या समाज को ऐसा लगता है कि जो उनकी अपनी संस्कृति है वे ही सर्वगुण संपन्न है और दूसरों की संस्कृति को हम बहुत ही नकारात्मक दृष्टि से देखने का प्रयास करते हैं।
जैसे कि हमने कहा कि यदि हम भारत में बैठे हैं, ये पूर्व देश के निवासी हैं, तो हम पश्चिमी संस्कृतियों को अक्सर बहुत ही नकारात्मक दृष्टि से देखने का प्रयास करते हैं। उसी तरीके से यदि हम दूसरी तरफ देखने का प्रयास करें तो वो पूर्वी देशों की संस्कृतियों को बहुत ही पिछड़ी या बहुत ही पुरानी संस्कृतियों के रूप में उसकी व्याख्या करते हैं। तो इस तरीके से यदि हमारा अपनी दृष्टि खुली हुई नहीं होगी, यदि हम तटस्थ और निष्पक्ष होकर किसी संस्कृति पर, किसी एक संस्कृति को या समाज को केवल उसके विकास क्रम में तटस्थ रूप से यदि हम नहीं देखते, तो ना हम केवल अपनी संस्कृति के प्रति अधिक विवेकशील हो पाएंगे, बल्कि हम दूसरी संस्कृतियों को भी अधिक विवेकशील होकर या तटस्थ होकर उस पर विचार नहीं कर पाएंगे। हम जब हम विभिन्न संस्कृतियों से मिलते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हम किसी दूसरी संस्कृति से मिलते हुए उसकी संस्कृति में हम समाहित हो जाएं, उसके प्रभाव में आ जाएं। लेकिन यदि हम विभिन्न संस्कृतियों से मिलते हैं और खुले मन से मिलते हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया में हम अपनी संस्कृति के साथ साथ दूसरी संस्कृति से कुछ कुछ सीखते चलते हैं, और हमारी ग्रहणशीलता की जो प्रवृत्ति है हमें दुराग्रहों से मुक्त करती है। ये भिक्खु पारेख का मानना है, और भिक्खु पारेख इस तरह बहुसांस्कृतिकता का या बहुसंस्कृतिवाद का समर्थन करते हैं। अब हम जानते हैं बहुसंस्कृतिवाद के पक्ष में दिए जाने वाले तर्क क्या क्या हैं, किस तरह बहुसंस्कृतिवाद को विभिन्न राष्ट्रों या समाजों के लिए, या हम कहें कि जिस तरह के भौगोलिक समाज में, हम वैश्वीकृत समाज में आज हम रह रहे हैं, जहां व्यापार के कारणों से, पूंजी के कारण से या अन्य कारणों से विभिन्न संस्कृतियाँ एक दूसरे के करीब आ गई हैं, ऐसी स्थिति में यदि कोई राष्ट्र बहुसंस्कृतिवाद की अवधारणा को अपनी राजनीतिक विचार के रूप में यदि अपनाता है, तो बहुसंस्कृतिवाद के पक्ष में कौन कौन से तर्क हो सकते हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे। और इसके बाद हम जानेंगे कि बहुसंस्कृतिवाद के विपक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं वे क्या क्या हैं, और किस तरह बहुसंस्कृतिवाद के विपक्ष में दिए जाने वाले तर्क जो हैं वो किस तरह उनके अपने कारणों या उनके अपने राष्ट्रीय सुरक्षा के कारणों से जुड़े हुए हैं, तो उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। पहले हम जानते हैं बहुसंस्कृतिवाद के पक्ष में क्या क्या तर्क दिए जाते हैं। बहुसंस्कृतिवाद सभी धर्मों और संस्कृति को समान अधिकार देने की बात करता है। सभी संस्कृतियों के लोगों को अपनी संस्कृति, वेशभूषा, खान पान, आस्था, व्यवहार आदि का पालन करने की स्वतंत्रता है। अपने पर्व, अपने त्यौहार आदि को मनाने की स्वतंत्रता बहुसंस्कृतिवाद की अवधारणा के अंतर्गत आती है। इतिहास के लेखन में भी वर्चस्वशाली समूहों के योगदान को बढ़ा चढ़ाकर तथा अल्पसंख्यक समूहों के योगदान को कमतर करके दिखाने की प्रवृत्ति रही है। बहुसंस्कृतिवाद इसका विरोध करते हुए कई तरह के इतिहासों की सिफारिश भी करता है। विभिन्न अल्पसंख्यक संस्कृतियों की परंपराओं, इतिहास आदि को पाठ्य पुस्तकों आदि में स्थान देने की भी वकालत की जाती है। तो हम देखते हैं कि कोई भी बहुसांस्कृतिक समाज, यदि हम खासतौर पर बात करें कि जो हम बहुसांस्कृतिक समाज जिन्होंने बहुसंस्कृतिवाद को एक अवधारणा, एक राजनीतिक विचार के रूप में समाज में अपनाया है, वे इन सब चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं कि जिन संस्कृतियों या जिन समाजों या जिन विभिन्न जातीय, धार्मिक या परंपरागत समुदायों से मिलकर उनके राष्ट्र की कुल जनसंख्या का जो निर्माण हो रहा है, उन सभी को समान रूप से अधिकार दिया जाए। जैसा कि हमने पिछले सत्र में सैलेड बॉल थ्योरी के अंतर्गत पढ़ा, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो सैलेड बॉल होता है उसमें जो सलाद का जो तश्तरी जो होती है, उसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे आप खीरा भी काटते हैं, गाजर, मूली आदि बहुत सारी चीज़ें डालते हैं, लेकिन वो विभिन्न तत्व या विभिन्न चीज़ें उस बॉल के अंदर होने के बावजूद उनका अपना अस्तित्व कहीं भी विलुप्त नहीं होता है। वो किसी एक चीज़ में उनका समरूपीकरण या होमोजेनाइजेशन नहीं हो जाता है, वो अपनी हेट्रोजेनिटी के साथ या अपनी विविधता के साथ विद्यमान रहते हैं। चाहे वो सैलेड बॉल में रखे गए विभिन्न सलाद के तत्व हों, कहीं भी एक का स्वाद दूसरे पर हावी नहीं होता है। तो इसी तरह बहुसंस्कृतिवाद के संदर्भ में कहा जाता है कि कोई भी राष्ट्र, यदि वह बहुसांस्कृतिक राष्ट्र है, यदि कोई राष्ट्र एक राजनीतिक अवधारणा या राजनीतिक विचार के रूप में बहुसांस्कृतिकता को अपने यहाँ स्वीकार करता है, तो उसमें इन सब चीज़ों की अपेक्षा होती है। बहुसंस्कृतिवाद में इन सब चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है कि सभी धर्मों और संस्कृति को समान अधिकार दिया जाए, सभी धर्मों और संस्कृति के लोगों को अपनी वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, अपनी मान्यताओं आदि को पालने की छूट हो, अपने पर्व त्यौहार मनाने की स्वतंत्रता हो, और साथ ही इतिहास लेखन की जो अपनी प्रवृत्ति है, किसी एक समुदाय या एक प्रभुत्वशाली या वर्चस्वशाली वर्ग के बात करना और दूसरे बहुत सारे अल्पसंख्यक समुदायों या शोषित दमित समाज के इतिहास को अनदेखा कर देना, बहुसंस्कृतिवाद इसका भी विरोध करता है और इसका समर्थन करता है कि वे उन सभी अल्पसंख्यक समुदायों या वे उन सभी दमित शोषित समाज के वर्गों की भी आवाज़ बने और ऐसे इतिहास निर्माण किया जाए या विभिन्न इतिहासों का, जिसमें अलग अलग समुदाय अपने अपने इतिहास के साथ न केवल खड़े हों, बल्कि वह राष्ट्र एक बहुसांस्कृतिक राष्ट्र होने के नाते या एक व्यवस्था होने के नाते उन विभिन्न इतिहासों को या विभिन्न परंपराओं को भी बराबर रूप से स्थान दें।
उसी तरीके से जब पाठ्य पुस्तकों या ज्ञान की जो सामग्री का निर्माण हो तो उनमें भी विभिन्न समुदायों के लोगों का की परंपराओं, उनके इतिहास, उनकी मान्यताओं को भी स्थान दिया जाए। तो ये बहुसांस्कृतिकवाद के पक्ष में दिए गए आने वाले तर्क है कि बहुसांस्कृतिकवादी समाज के अंतर्गत गुण मूलभूत रूप से पाए जाते हैं। किसी खास संस्कृति को समाज विशेष की मुख्य धारा मानना, उसके इतिहास की रोशनी में ही पूरे समाज के इतिहास को प्रस्तुत करना और दूसरों को दोयम दर्जे पर रखना या उनके मूल्यों, मान्यताओं और रीति रिवाजों को वैधता न देना, यह सामाजिक सद्भाव के लिए घातक है। बहुसांस्कृतिकता एक सहिष्णु समाज बनाने की दिशा में उठा आवश्यक कदम है। बहुसांस्कृतिकता लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया के तहत अल्पसंख्यकों के अधिकारों का समर्थन करती है। अब हम जानेंगे बहुसंस्कृतिवाद के विपक्ष में क्या क्या तर्क दिए जाते हैं, क्यों बहुसंस्कृतिवाद को एक तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी अनुचित माना जाता है और किस तरह अल्पसंख्यक समुदाय के लोग बहुसंस्कृतिवाद का पर एक तरह से प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। हम इन दोनों ही चीज़ों के बारे में यहाँ विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुसंस्कृतिवाद राष्ट्रीय एकता और सामाजिक एकजुटता के लिए घातक है। एकल सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय एकता की बुनियाद मानना, इसका मतलब है कि भले ही कई अलग अलग धर्मों, संस्कृतियों, भाषाओं को किसी राष्ट्र विशेष की सीमा के भीतर जगह मिली हो, वस्तुतः एक धर्म, संस्कृति, भाषा ही उस राष्ट्र के वजूद का आधार होती है। जो हमने मेल्टिंग पॉट थ्योरी के अंदर जाना कि मेल्टिंग पॉट थ्योरी का जो मूल जो अर्थ है वह यह कि एक समाज में चाहे विभिन्न संस्कृतियाँ या विभिन्न धर्म आदि के लोग रहते हों, लेकिन अंततः उनकी जो पहचान है फिर एक राष्ट्र, एक संस्कृति के रूप में की जाए, यानी सभी संस्कृतियाँ उसमें समाहित हो जाए, उनका होमोजेनाइजेशन या समरूपीकरण हो जाए। तो जो बहुसंस्कृतिवाद के विपक्ष में दिए जाने वाले तर्क हैं, वे मानते हैं कि इस तरह यदि विभिन्न संस्कृतियों या विभिन्न धर्मों या जातियों के अस्तित्व को यदि स्वीकार कर लिया जाए तो कभी भी अपने राष्ट्र के हित के प्रति एकजुट नहीं हो पाएंगे। तो वो इस तरह से बहुसंस्कृतिवाद को या बहुसांस्कृतिकता को एक इसके डिमेरिट के रूप में या उसे एक सामाजिक एकजुटता के लिए घातक तत्व के रूप में देखते हैं। बहुसंस्कृतिवाद अलगाव को बढ़ावा देने का एक कारक है, क्योंकि यदि हम अलग अलग संस्कृतियों या अलग अलग समुदायों में बटे होंगे तो हम एकल राष्ट्र की चिंता न करके या पूरे एक समाज की चिंता न करके अपने अपने अल्पसंख्यक समुदायों की, अपने अपने समुदायों, अपने अपनी जातीयताओं की ही चिंता करेंगे, जो एक राष्ट्र के हित के लिए अनुचित होगा और वह अलगाववाद को बढ़ावा देगा। बहुसांस्कृतिकता केवल एक राजनीतिक विचार, उनका मानना है कि इसके माध्यम से केवल अलग अलग समुदायों को तुष्ट करके या उनके तुष्टीकरण की राजनीति के माध्यम से अलग अलग समुदायों को जब यदि तुष्ट करने का प्रयास किया जाएगा तो एक तरह का अलगाववाद ही पैदा होगा और वह केवल एक राजनीतिक विचार है जो केवल राजनीतिक स्वार्थों के लिए अपनाया जाता है। तो इस तरीके से बहुसंस्कृतिवाद के विपक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं, अब हम जानेंगे कि अलग अलग बुद्धिजीवी इसे किस तरीके से देखते हैं। संकीर्णतावादी विचारकों से लेकर वाम रेडिकल बुद्धिजीवियों तक ने अपने अपने तरीके से बहुसंस्कृतिवाद का विरोध किया है या फिर इसके प्रचलित स्वरूप पर सवाल उठाए हैं। इसका सिरे से विरोध करने वाले विचारकों का मानना है कि बहुसंस्कृतिवाद राष्ट्रीय एकता और सामाजिक एकजुटता के लिए घातक है। वे एकल सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय एकता की बुनियाद मानते हैं। 1988 में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री जॉन हॉवर्ड ने कहा था, बहुसंस्कृतिवाद के साथ मेरी बहस यह नहीं है कि ये विविधता के प्रति आदर और सहिष्णुता प्रदर्शित करता है, बल्कि यह है कि कई तरीकों से विभाजन पर बल देता है। तो सहिष्णुता पैदा करता है, ये एक अलग तत्व है, लेकिन यदि हम अलग अलग समुदायों या अलग अलग जातीयताओं में बट जाएंगे तो वे एक तरह के एक ही राष्ट्र के अंदर विभिन्न गुट या विभिन्न दल बना देगा, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा की नीति से उचित नहीं है। ये ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री जॉन हॉवर्ड का मानना है। सैमुअल पी हटिंगटन की बेहद प्रसिद्ध किताब है द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड द रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर, जिसमें वे इस बात पर बल देते हैं कि बहुसांस्कृतिक राष्ट्र बनाने की कोशिशें बहुत खतरनाक हैं। उनका मानना है कि यदि हम किसी राष्ट्र को बहुसांस्कृतिक राष्ट्र बनाकर या मानकर उसके अंतर्गत विभिन्न संस्कृतियों के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं तो जो राष्ट्र की जो अपनी एक पहचान है, जो उसकी अपनी एक सांस्कृतिक पहचान है, वह कहीं विलुप्त हो जाती है। और ऐसी स्थिति में जब विभिन्न संस्कृतियाँ या विभिन्न राष्ट्र विभिन्न मान्यता जातीयताओं को यदि हम सम्मान देते हैं तो वह राष्ट्र राष्ट्रीय दृष्टि से बट जाता है, और यदि कभी वैश्विक स्तर पर किसी तरह का कि जब चुनौती यदि सामने आती है तो हम अपनी ही सीमाओं में रह जाएंगे और जो एक तरह से अपनी जो सांस्कृतिक एक राष्ट्र के रूप में जो अपनी सांस्कृतिक पहचान है उस तरह का समर्थन हमें अलग राष्ट्रों से नहीं मिलेगा। और एक तरह की जिस गुटबंदी के वो संकेत करना चाहते हैं कि जिस गुटबंदी के माध्यम से यदि हम अपने राष्ट्र को वैश्विक परिदृश्य पर बचाने का यदि प्रयास करें तो वह सफल नहीं हो पाएगा। इसीलिए किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सैमुअल पी हटिंगटन का मानना है कि
बहुसांस्कृतिकता एक घातक विचार है, क्योंकि वह उन्हें अलग अलग संस्कृतियों में बांटकर उनकी अलग अलग संस्कृतियों से उसकी पहचान बनाती है, और जो उसकी अपनी जो केंद्रीय पहचान है, यदि हम अमेरिका की ही बात करें तो उनकी जो अपनी जो एक क्रिश्चियनिटी की जो अपनी एक पहचान है वह कहीं ना कहीं विलुप्त हो जाएगी, और उस तरह यदि और यदि व्यापक स्तर पर यदि कभी ऐसी ज़रूरत पड़ जाए कि उन्हें ईसाइयत के आधार पर विभिन्न राष्ट्रों की ज़रूरत पड़े, तो कहीं ना कहीं बहुसंस्कृतिवादी नीति होने के कारण उन्हें उस तरह का समर्थन नहीं मिल पाएगा जो उनके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। ये सैमुअल पी हटिंगटन अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड द रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर में कहते हैं। वामपंथी विचारकों ने भिन्न कोण दृष्टिकोणों से बहुसंस्कृतिवाद की आलोचना की है। राजकीय नीति के तौर पर प्रचलित बहुसंस्कृतिवाद को एक ऐसा सिद्धांत मानते हैं जो नस्लवाद के वर्चस्व के खिलाफ परिवर्तनकारी संघर्ष चलाने के बजाय विविधता का दिखावटी जश्न मनाता है। इस नीति के तहत राज्य की ओर से जातीय संस्कृतियों से संबंधित मेलों, प्रदर्शनियों आदि का आयोजन तो किया जाता है, और वास्तविक समानता के लिए चलने वाले किसी संघर्ष की संभावना को दबाता हुआ यह संस्कृति को दिखावे, उपभोग तथा उत्सव की वस्तु में बदल देता है। उनका मानना है कि बहुसंस्कृतिवाद की में जो विभिन्न सांस्कृतिक विविधताओं को स्वीकारने का जो आडंबर है वह केवल बाहरी आडंबर बन के रह जाता है, लेकिन उनके अधिकारों की चिंता जब की जाती है उन पर जो आंतरिक जो बहस होनी चाहिए वो नहीं हो पाती, तो इसलिए वे उदारवादी बहुसंस्कृतिवाद का समर्थन न करते हुए आलोचनात्मक बहुसंस्कृतिवाद की चर्चा करते हैं। उनका मानना है कि बहुसंस्कृतिवाद में एक ऐसे ढांचे का निर्माण किया जाए, एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया जाए जब राष्ट्र के पास या राष्ट्र के विभिन्न तत्वों के पास अधिकार हो कि जब बहुसंस्कृतिवाद के नाम पर केवल यदि बाह्य आडंबर किया जा रहा तो उसकी आलोचना की जा सके ताकि उसे समय रहते सुधारा जा सके। ये विचारक प्रचलित उदार बहुसंस्कृतिवाद की जगह आलोचनात्मक बहुसंस्कृतिवाद की सिफारिश करते हैं जिसमें सांस्कृतिक आलोचना की गुंजाइश और सामाजिक न्याय के प्रति गहरी प्रतिबद्धता। बहुसंस्कृतिवाद के प्रचलित स्वरूप के साथ एक बहुत बड़ा सवाल जुड़ा हुआ है। वे अलग अलग संस्कृतियों के बीच की भिन्नताओं को तो महत्व देता है, लेकिन एक संस्कृति के भीतर की विविधता भिन्नता के प्रति संवेदनशील नहीं है। इसके चलते अगर किसी संस्कृति के तौर तरीके अपने आप में बहुत गहरे स्तर पर गैर लोकतांत्रिक हैं तो उसे छूट देकर हम संबंधों की लोकतांत्रिकता के सार्वभौम आधुनिक मूल्य को ताक पर रख देते हैं। ये एक जो अन्य महत्वपूर्ण तत्व जिसकी ओर विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय संकेत करते हैं और जिसका कि सुजन मॉलर ओकिन ने भी अपने लेख इस मल्टीकल्चरलिज्म बैड फॉर वुमेन में इस पर विस्तार से चर्चा की। वे मानते हैं कि बहुसंस्कृतिवाद के अंतर्गत जब हम विभिन्न अल्पसंख्यक संस्कृतियों या जिसको हम मानते हैं कि जो हाशिए पे पड़ी जो संस्कृतियां हैं, जब हम उनके स्वीकार की बात करते हैं और मानते हैं कि एक ऐसा समाज निर्माण हो जिसमें विभिन्न संस्कृतियों को समान अधिकार दिया जाए, तो हम दो संस्कृतियों के बीच के टकराव या दो संस्कृतियों के बीच में तो हम संघर्ष की ओर हमारा ध्यान केंद्रित है, लेकिन एक ही संस्कृति के भीतर जो अवगुण हैं, एक ही संस्कृति के भीतर जो स्त्रियों को लेकर या विभिन्न जातियों को लेकर जो भेदभाव है उस पर विचार हम नहीं करते। तो सुजन मॉलर ओकिन लिखती हैं कि क्या मल्टीकल्चरल जैसी अवधारणा जो संस्कृतियों के संरक्षण की बात करता है और संरक्षण की इस प्रक्रिया में उस संस्कृति के भीतर के जितने भी अवगुण हैं, चाहे वो स्त्रियों के प्रति हों, चाहे वो दलितों के प्रति हों या विभिन्न जातियों के प्रति हों, उन सबका भी संरक्षण हो जाता है और वो उस तरह के जो उनके जो अवगुण हैं उन पर चर्चा नहीं की जाती। यदि हम संस्कृतियों को बचाते हैं तो उस संस्कृतियों के अवगुण भी साथ में बच जाते हैं। ऐसा यदि होता है तो क्या वे स्त्रियों के लिए उचित है? वह कहती हैं, उदारवादी राज्य के भीतर अल्पसंख्यकों के समूह अधिकार की वकालत करने वालों ने समूह अधिकारों की सरल सी आलोचना को कम से कम दो कारणों से समुचित तरीके से संबोधित नहीं किया है। पहला, वे सांस्कृतिक समूहों को इकहरे रूप में देखते हैं। इसका मतलब यह है कि समूहों के अंदर मौजूद फर्कों की तुलना में वे समूहों के बीच मौजूद फर्कों पर अधिक ध्यान देते हैं। खास तौर से वे इस तथ्य पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते या बहुत कम ध्यान देते हैं कि अल्पसंख्यक सांस्कृतिक समूहों के भीतर स्त्री और पुरुष के बीच ताकत और लाभ का बहुत बड़ा फासला होता है। तो यदि हम किसी संस्कृति को बहुसंस्कृतिवाद के संघर्ष में हम किसी संस्कृति के संरक्षण की यदि बात करते हैं तो उस एक संस्कृति के भीतर जो अपनी जो कुरीतियां हैं, अपनी जो जो दोष है, जो अपने अवगुण हैं, उन पर हम इस बहुसंस्कृतिवाद की अवधारणा के अंतर्गत विचार नहीं करते, क्योंकि हमारा विचार के केंद्र में दो संस्कृतियों की बात है, लेकिन एक ही संस्कृति के भीतर के विभिन्न तत्वों या विभिन्न कुरीतियों की हम चर्चा नहीं करते हैं। तो ऐसा यदि करने पर जो अल्पसंख्यकों के साथ उनके जो विभिन्न वर्गों के या विभिन्न जातीय या स्त्री आदि विभिन्न जो वर्ग हैं उनके साथ जो एक भेदभाव का जो रवैया सदियों से चलता आ रहा है वो उसी तरीके से फिर बचा रह जाता है और वो
सवाल करती है कि क्या इस तरह की चीज़ें अल्पसंख्यकों के लिए या स्त्रियों के लिए क्या ऐसी व्यवस्था को बचाए रखना उचित होगा। तो एक तरह से कहा जाए कि बहुसंस्कृतिवाद के पक्ष में उनका यह तर्क है कि क्या बहुसंस्कृतिवाद ऐसे समुदायों के लिए उचित होगा जो एक ही संस्कृति के अंतर्गत किसी न किसी रूप से शोषित और दमित होते आ रहे हैं। दूसरे, समूह अधिकारों के प्रवक्ता निजता के दायरे को भी बिल्कुल ध्यान नहीं देते या बहुत कम देते हैं। समूह अधिकार के पक्ष में आने वाले कुछ सर्वोत्तम उदारवादी तर्कों में ये कहा गया है कि व्यक्ति को अपनी एक संस्कृति की जरूरत होती है और ऐसी संस्कृति के अंदर ही लोग आत्मसम्मान का बोध विकसित कर सकते हैं या यह तय करने की क्षमता हासिल कर सकते हैं कि उनके लिए किस तरह का जीवन उत्तम है। लेकिन यह तर्क दो चीज़ों को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देता है। एक, विभिन्न भिन्न भूमिकाएँ जिनकी एक सांस्कृतिक समूह अपने सदस्यों से अपेक्षा रखता है, और दो, वह संदर्भ जिसमें व्यक्तियों का आत्मबोध और उनकी क्षमताएं पहले पहले आकार पाती हैं और जिसमें संस्कृति सबसे पहले उस तक हस्तांतरित होती है, यानी घरेलू या पारिवारिक जीवन का दायरा। तो संस्कृति के भीतर के घटकों की ओर मोलरोकिन संकेत करती है। तो स्पष्ट है कि बहुसंस्कृतिकता को केवल एक राजनीतिक विचार या तुष्टिकरण के उपकरण के रूप में ना समझा जाकर विवेकशील तरीके से अपनाया जाना श्रेयस्कर है। हमने इस सत्र में बहुसंस्कृतिवाद को एक अलग अलग रूपों में जाना, हमने ये जाना कि मानवीय नज़रिए के रूप में वह किस तरह देखा जाता है और बहुसंस्कृतिवाद के पक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं और विपक्ष में कौन कौन से तर्क हैं, जिसका हमने चर्चा की सैमुअल पी हटिंगटन के माध्यम से, हॉवर्ड के माध्यम से या अल्पसंख्यक समुदाय के माध्यम से, जिसमें सूजन मोलरोकिन अपने सवाल खड़े करती हैं। बहुसांस्कृतिकता में केवल विभिन्न संस्कृतियों के बीच सामंजस्य का प्रयास न करके संस्कृति विशेष के बीच के विभिन्न आयामों का विश्लेषण किया जाना भी आवश्यक है। इसके साथ ही अगले सत्र में हम जानेंगे कि अनुवाद के क्षेत्र में बहुसांस्कृतिकता की क्या उपयोगिता है या बहुसांस्कृतिक समाज में अनुवाद की क्या उपयोगिता है और किस प्रकार एक कहा जाए कि एक अधिक मानवीय समाज का निर्माण करने में या अधिक बहुसांस्कृतिक समाज का निर्माण करने में अनुवाद किस तरह से एक सेतु का काम करता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। इस सत्र के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।